ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ईआरसीपी लागू करो, ईआरसीपी लागू करो, ईआरसीपी लागू करो, भाजपा की दादागिरी, भाजपा की गुंडागिरी, भाजपा की तानाशाही, भाजपा की तानाशाही, मोदी तेरी दादागिरी। भाई सीताराम जी भी माँ के बीच में मैं भूल गया, उधर खड़े हो आ गया। सीताराम जी मोदी का मुसला दहन करवाने में पूरा सहयोग करे आ गया है। प्लीज आप लोग पीछे आ जाए, धक्का मुक्की नहीं करे। कोई भी कार्यकर्ता प्लीज मेरी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, डंडी लगा दे इसके पीछे, डंडा लगा दे जिससे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, गजेंद्र सिंह मुर्दाबाद, गजेंद्र सिंह मुर्दाबाद, गजेंद्र सिंह मुर्दाबाद, ईआरसीपी लागू करो, ईआरसीपी लागू करो, गजेंद्र सिंह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी दादागिरी, भाजपा की दादागिरी, भाजपा की तानाशाही, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, प्रताप सिंह जिंदाबाद, महेश जोशी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस बैठे हो तो मुझे भेज दिया था, फिर तुमको बोले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलो, मन का नहीं है मेरा। हम अतिथि देवो भाव की भावना के लोग हैं, हम राजस्थान पधारू जी हमारे देश की बात करते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं, कोई विवाद खड़ा नहीं करते। मैं नहीं बोला, लेकिन उसके उद्घाटन सत्र के बाद, उस परिसर से बाहर आने के बाद मैंने वीडियो क्लिपिंग जारी की, और मुझसे पहले आप लोग ज्यादा खबर रखने वाले लोगों, आप लोगों ने कई चैनलों ने मुझसे पहले वो वीडियो क्लिपिंग जारी कर दिए, जिसमें गजेंद्र सिंह जी इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी जयपुर में अजमेर में ईआरसीपी के बारे में बातें कर रहे हैं। अब इस्तीफा दीजिए गजेंद्र सिंह जी, कौन रोक रहा है आपको? ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाना तो आपके बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा? कोई केंद्रीय मंत्री अगर अपने राज्य के बारे में प्रधानमंत्री की हुई घोषणा को पूरा नहीं करा सकता तो किस बात का मंत्री है? कोई हक नहीं बनता उनको मंत्री रहने का, और ये तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी। अगर कोई ऐसी स्कीम जो राजस्थान के जनता के हित की हो उसकी प्रधानमंत्री जी नहीं घोषणा करें, तो अगर राजस्थान का कोई मंत्री केंद्र में बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उन कामों को करे जो राजस्थान की जनता के हित में है।
एक काम बता दें, गजेंद्र सिंह जी राजस्थान के उसने किया हुआ एक काम पेयजल के मामले में। हमारी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री की सभा हुई, माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की सभा हुई, उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए, अध्यक्ष ने बयान दिए, कल प्रताप सिंह जी ने बयान दिया, हमारी मांग है राजेंद्र सिंह शेखावत जी इस्तीफा दें, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि वो अपने पद पर बने रहे। हाँ, एक शर्त पर राजस्थान की जनता उनको माफ कर सकती है, वो पहल करके पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवा दें, अगर 90-10 का रेशो जो दूसरी स्कीम में लागू हुआ है वो लागू करवा दें, तो शायद राजस्थान की जनता उनको माफ कर दे कि भाई जो कहा था माफ आपने ही कर दिया, नहीं तो राजस्थान की जनता गजेंद्र सिंह जी का इस्तीफा भी कराएगी और राजस्थान की जनता पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाए बिना चैन से नहीं बैठेगी। बातें कर रहे हैं राजनीति करने की, हम राजनीति कर रहे हैं, हम जनहित की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात करना राजनीति है, तो हम राजनीति करते हैं, करते रहेंगे। हमारी मांग फिर एक बार दोहराता हूं, गजेंद्र सिंह जी इस्तीफा दें और केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे पूर्व राजस्थान नहर परियोजना को। इन्हीं बातों के साथ में मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपका आना, आपका हौसला देना, ये इस परियोजना को दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। पूरे 13 जिलों में ये धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, पुतले जलाए जाएंगे और चुप नहीं बैठना है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर महेश जोशी जी, आपने राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग को जनहित में उठाया। मैं अब अगली कड़ी में हमारे जयपुर शहर जिलाध्यक्ष और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आए और हम सबको संबोधित करें। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जयपुर में भी कही थी, अजमेर में भी। अचानक जल शक्ति मंत्री जी केंद्र सरकार के, उनमें पता नहीं क्या भाव आया, कौन से भरोसे उठा है कि क्या हुआ इसको जाने। इतने बड़े अहदे पे बैठा आदमी वो इस्तीफा देने का चैलेंज दे कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द अगर कहा हो अजमेर में तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो आप मैं तुमको वहीं जवाब देता। लेकिन मेरे अपने विभाग की जिसके हम होस्ट स्टेट थे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का एक वर्कशॉप 11 स्टेट, मैंने वहाँ उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। मैंने उस परिसर से बाहर आके अपनी बात कही कि जल शक्ति मंत्री जी आप ये वीडियो सुने, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय परियोजना बनाने का महत्व समझाया इसको कि कैसे 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पाएगी, कैसे राजस्थान की 40% जनता को पीने का पानी सुलभ हो पाएगा, इसका क्या महत्व है, सारी बड़ी बड़ी बातें। और साथ में कि पूरी संवेदनशीलता के साथ में हम इसको निर्णय करेंगे, ये संवेदनशीलता की उसके बाद बात नहीं करी। और हम याद दिला रहे हैं तो जल शक्ति मंत्री जी कह रहे हैं कि आप वेरीफाई कर लीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें। हमने तो उनकी बात अपनी बात को सही सिद्ध कर दिया, अब दें जल शक्ति मंत्री जी इस्तीफा, आप अपने इस्तीफे को भूल गए, अब इधर उधर क्या बातें कर रहे हैं। अंदर कल बातें कर रहे हैं, इधर उधर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुद्दे पर आए, इस्तीफा दें। हाँ, राजस्थान की जनता इतनी संवेदनशील जनता है कि अगर जल शक्ति मंत्री या को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की पहल करते हैं तो उनके खास को राजस्थान की जनता और कांग्रेस माफ कर देगी। या तो इसको ईआरसीपी खुद बनवाए, राष्ट्रीय परियोजना कांग्रेस तो बनवाएगी, और कांग्रेस का आंदोलन जो आज ही 13 दिनों से शुरू हुआ, ये जब तक ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी है। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।